बस थोड़ा सा सब्र रखो आप, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत कुछ देखना है। तो ये जगह आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के राशनपुरा एरिया में मिलेगी, लेकिन एक बात बोलूँ, गाड़ी सिर्फ राशनपुरा तक ही जाती है और उसके बाद आपको अपने पैरों पे चल के जाना है टॉप तक। तो सफ़र यहाँ से शुरू होता है, आपको घने घने जंगलों से गुजरना पड़ता है और ऊपर टॉप तक पहुँचना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जितना जितना हम आगे जा रहे हैं उतना हमें बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे आज, क्योंकि आज संडे है। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी जुड़ा है, अभी मेरे सब्सक्राइबर भी है, मेरा फ्रेंड भी है, मिस्टर जाफर अहमद खान। आप कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो सारा कुपवारा जो है, सारा कश्मीर जो है, ये बहुत खूबसूरत है। स्पेशली जो कुपवारा करालपुरा का साइड जो है, ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं, अपने पैरों की ज़रूरत है और खुद को एंजॉय करने की ज़रूरत है। सो दीज किड्स वेर फ्रॉम अनदर एरिया, वो भी आए हैं विज़िट करने के लिए और वो हमें अभी मिल गए। हम ग्लूकोस वाटर बना रहे थे तो हमने बोला इनको अभी पी लो, तो इन्होंने भी पिया। हमने बोला ऊपर चढ़ना है, थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी। रिसेंटली 2 months ago मैंने व्लॉग बनाया था, मैं यहाँ पे आया था डेट पे, उस टाइम पे कोई नहीं आया था और मैं आया था यहाँ पे। तो अब आप सोच रहे होंगे ये बंदा एक ही जगह बार बार क्यों जा रहा है। तो रीज़न इज़ कि जब मैंने वो वाला व्लॉग डाला उसके बाद बहुत सारे लोकल्स ने वहाँ पे विज़िट करा और मुझे बहुत सारे DMs भी आ गए, कमेंट्स भी आ गए। जो मेरे क्लोज वंस हैं यहाँ के, जो लोकल्स हैं जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं करा था, उन्होंने मुझे बोला कि संडे को वहाँ पे ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, आप संडे को ज़रूर आ जाओ। तो पिछले संडे भी बोला था उन्होंने, लेकिन आई वॉज़ बिज़ी। इस संडे मैंने टाइम निकाला और मैं यहाँ पे आ गया। तो ऊपर जाके आप खुद भी देखोगे कि कितने सारे लोग विज़िट करने लगे हैं डॉट को। तो इन्हें कहते हैं जंगली स्ट्रॉबेरीज़। यहाँ पे ये झाड़ियों में होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रॉबेरी टाइप होते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं होते, तो हम इन्हें जंगली स्ट्रॉबेरी कहते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट स्टोन हेयर, और इसके नीचे थोड़ी जगह है रहने के लिए, केव टाइप। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कैंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसका ऑलरेडी ऊपर से थोड़ा सा छत बना हुआ है। और मैं अंदर जा रहा हूँ, सी यहाँ पे आराम से हम बैठ सकते हैं और
कोई बारिश वगैरह का कोई सीन नहीं होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपनी मंजिल के बहुत 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 करीब पहुंच गए। अभी हमें थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है क्योंकि हम टॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा चल रही है, वो भी ठंडी हवा क्योंकि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे हैं। सो थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, बट इट्स ओके। तो पूरे 2 घंटे ट्रैकिंग करके हम अभी टॉप पर पहुँच गए थे और अभी टाइम कुछ खाने पीने का था और उसके बाद नेचर को इंजॉय करने का था। छोटा सा सब्सक्राइबर है मेरा, भाई बोलो नाम क्या आपका? धनिश बशीर। चलो ठीक है। वीडियो में एक टाइम लैप्स होना जरूरी है। अभी मुझे एक मेरा सब्सक्राइबर मिला है तो वो उसने मुझे वहाँ से आवाज़ दी तो मैंने उसको बोला यहाँ पे आ जा, तो अभी आ रहा है वो। वैस वैस नाम है तेरा? वैस नाम है इसका। हम बैठ के बात कर रहे हैं, रुक पा सर। तो इसका नाम वैस है, ही इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। तो वैस आपको
आपने जब मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे टेक्स्ट करी, आपने मेरा वीडियो कहाँ पे देखा था? मैंने आपका वीडियो फेसबुक पे ही देखा, आपका ब्लॉग पहले मैंने फेसबुक पे देखा, फिर मैं उसके बाद यूट्यूब पे गया देखने के लिए। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो ब्लॉग, सबसे बढ़िया ब्लॉग था आपका जो डट पे बनाया था आपने, इससे बहुत फेमस हुआ डट, बहुत पॉपुलरिटी आई, बहुत लोगों ने आना शुरू किया यहाँ पे। पिछले 2-3 हफ्ते से मुझे बहुत DMs आ रही हैं फेसबुक पे इंस्टा पे कि यहाँ पे डट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपका जो वीडियो था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीडियो लोग यहाँ पे विजिट करने लगे हैं। बाकी आपने एक वीडियो डाला था, मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, आपने एक वीडियो डाला था इसके रिगार्डिंग, डट के रिगार्डिंग, आप शायद पिछले संडे को आए थे। हाँ, पिछले संडे को मैं आया था। हाँ, आपने मेरा नाम भी मेंशन किया था यूट्यूब पे। हाँ, मुझे अच्छा लगा आपकी वीडियो ने, सबसे पहले वहाँ पे आपने डट को एक्सपोज किया, काफ़ी लोगों ने आना शुरू किया यहाँ पे, और उसके बाद मुझे ये बात अच्छी लगी क्योंकि वहाँ का राशनपुरा का नाम आया था, तो मुझे बहुत इस बात पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस बात पे मेरा एक फ्रेंड है, वो दर्दपुरा से है, तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं 2016 में आया था डट पे, तो उस टाइम मैं उनके साथ आया था दर्दपुरा से, ठीक। लेकिन परसों जब मैं राशनपुरा से आया, मैंने डट को एक्सप्लोर किया, मैंने वीडियो बनाया, जब मैंने वीडियो पब्लिश किया यूट्यूब पे, मैंने पहले थोड़ी बहुत रिसर्च की, मैंने देखा डट वहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, लोग कहाँ से ज़्यादा कहाँ से प्रेफर कर रहे हैं लोग जाना, तो वहाँ से मुझे लगा कि इसको टाइटल के साथ राशनपुरा रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरा जो फ्रेंड है वो दर्दपुरा का है, उसने मुझे DM की व्हाट्सएप पे बोला कि यार ये राशनपुरा नहीं लिखना था आपको, दर्दपुरा लिखना था, मतलब वो भी अपना जो एरिया है उनका वो प्रमोट करना चाहते थे, और जो डिज़र्विंग है उसको तो लिखेंगे ही। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया किया आपने, सबको इस बात से बहुत खुशी हुई, वैसे राशनपुरा का नाम आया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मैं कहीं बोलूँ, कहीं दूर जाके, कहीं मैं कश्मीर में जाऊँ, वहाँ मैं बोलूँ मैं कुपवारा से हूँ, उसके बाद वो पूछते हैं कि आप कुपवारा में कहाँ रहते हो, मैं बोलूँगा सीधे राशनपुरा, तो उनको समझ आनी चाहिए वहाँ से बात कि राशनपुरा कहाँ है। वैसे आप कहाँ से हो? राशनपुरा से। राशनपुरा से। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया, ठीक। एक और बात मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, मैं व्लॉगर हूँ, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, एक साल हुआ मुझे, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना बाकी कंटेंट क्रिएटर जो है इंटरटेनमेंट या रोस्टिंग वगैरह, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उनकी चैनल्स ज़्यादा ग्रो हो रही है। मैं ही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी बहुत सारे, पूरे कश्मीर में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, उनका कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन उनकी चैनल ग्रोथ भी ज़ीरो है। आपको क्या लगता है, ये मेरा फॉल्ट है या फिर यहाँ के लोगों का फॉल्ट? आपका फॉल्ट नहीं, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप करते रहिए, कामयाबी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कामयाबी आपके हाथों में। एक्चुअली मुझे एक बात लग रही है, वो ये है कि यहाँ पे अभी व्लॉगिंग का कंसेप्ट नहीं आया है पूरी तरह से कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो अभी थोड़ी हल्की सी बारिश होने लगी है, सारे लोग अभी वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस साइड से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।